जय हिंद फ्रेंड, मैं हूँ पार्थो। इस वीडियो में हम बताने वाला हूँ यूपीएससी एनडीए रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन रिसेंटली जारी किया गया है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको एक एक करके पूरे जानकारी देने वाला हूँ। पर फ्रेंड, उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने तरफ से एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जानकारी उन सब लोग तक पहुंच जाए जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो फ्रेंड, देख लेते हैं आप पूरे जानकारी। फ्रेंड, ए पोस्ट यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेशनल एकेडमी एग्जामिनेशन में पोस्ट निकली है। फ्रेंड, पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड, इस फॉर्म को ऑनलाइन पे भरना स्टार्ट हो चुका है। जनवरी मंथ का 8 तारीख से आज चलेगा, जनवरी मंथ का 28 तारीख तक। इसके अंदर आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन पे अप्लाई करना होगा। फ्रेंड, टोटल वैकेंसी 418 टोटल वैकेंसी, और रिक्रूटमेंट होगा विंग्स पदों के लिए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। इस बार 370 टोटल वैकेंसी है, उसके अंदर 208 वैकेंसी आर्मी विंग्स के लिए, 42 वैकेंसी नेवी विंग्स के लिए, और जो 120 वैकेंसी है ये वैकेंसी एयरफोर्स विंग्स के लिए। यानी रिक्रूटमेंट होगा विंग्स पदों के लिए और रिक्रूटमेंट होगा यूपीएससी एनडीए द्वारा। और नावल एकेडमी 10+2 एंट्री स्कीम, इसके लिए वैकेंसी 48, कुल मिला के टोटल वैकेंसी 418 टोटल वैकेंसी। फ्रेंड, आप बात करेंगे एस के बारे में और कौन सी कैंडिडेट यानी कौन सी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, आपका जन्मतिथि होना चाहिए 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2004 के बीच, तब जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट, इस फॉर्म को सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया विंग्स पदों के लिए सिर्फ 12th क्लास पास किया तो आप सिर्फ विंग्स पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो पोस्ट है नावल एकेडमी, इस पर अप्लाई करने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए सेम 12th क्लास पास। आपके पास 12th क्लास पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, इंपॉर्टेंट एक बात है, जो कैंडिडेट 10th क्लास पास किया है उसके बाद वो 11th पे है अभी, तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते है। फ्रेंड, एप्लीकेशन चार्ज देना होगा, एससी एसटी कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं पे करने होगा। जो कैंडिडेट जनरल और ओबीसी है उसको 100 रुपया ऑनलाइन से मदद से एप्लीकेशन चार्ज देना होगा। फ्रेंड, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इंडियन होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा जानकारी आपको देंगे कैसे सिलेक्शन होगा, कैसा एग्जाम पैटर्न, उसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और भी बहुत कुछ जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम देने वाला हो। इस वीडियो में बस इतना ही। और जॉब लोकेशन होगा फ्रेंड ऑल इंडिया, आपका पोस्ट कहीं भी पढ़ सकते हैं। फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ अगर दोस्त आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इस बार गवर्नमेंट जॉब का न्यूज अपडेट करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।